चण्डं कर धृतदण्डं कृत्रिभुखण्डं सौख्यकरं लोकं सुखयन्तं विलसतिवन्तं प्रकटतिदन्तं नृत्यकरं डमरुध्वनिशङ्खं तरलवसन्तं मधुरासन्दं लोकभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ये चार पंक्ति भैरव तांडव स्त्रोत्र की बहुत कुछ बताती है भैरव महाने के बारे में, ठीक है। चंडम प्रति चंडम, और वहां से उठ करके प्रकटिति दंतम नृत्य करम डमरू ध्वनि शंखम तरल वसंतम मधुर हसंतम लोक भरम, मतलब खुशी खुशी मधुर हसी, भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव भेशम कष्टहरम, मतलब हे भूतेश हे महेश, आप इस पृथ्वी पर भैरव रूप में हो लोगों का कष्ट हरण करने के लिए। और आज का क्या वीडियो है, आज का वीडियो है घर में भैरव पूजा की जा सकती है क्या। कई बार मैंने काल भैरव महाराज के पूजा के बारे में आप लोगों को चेताया है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। आज थोड़ा इस पे मैं व्याख्यान दे रहा हूं आप लोगों को। भैरव महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था ब्रह्मा जी के घमंड को नष्ट करने के लिए, ठीक है। वो उनका बाल स्वरूप था, मतलब बटुक भैरव। जब ब्रह्मा जी को ये घमंड हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है, तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए महादेव के रोष से प्रकट हुए भैरव महाराज, जिन्होंने अपने कनिष्ठिका से जो मुख अपनी बड़ाई कर रहा था ब्रह्मा जी का, उसको काट दिया। फिर ब्रह्मा हत्या का जो दोष था उससे बचने के लिए या उसके निवारण के लिए भैरव महाराज ने साधना किया, और उसके बाद अंत में जाकर के काशी में बस गए, जो काशी के पुराधीनाथ काल भैरव मजा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस पूरे विषय में जो हम आप या एक आम जनमानस सोचता है जो भैरव महाराज से नहीं जुड़ा है कि क्योंकि काला भेष है भैरव महाराज का, तो भैरव महाराज भी ऐसे, हम लोग भैरव भयंकर बोलते हैं, भैरव महान बोलते हैं, भैरव महाराज बोलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे शनि देव है, जो शनि देव है वो हमेशा क्रोध में रहते हैं, वो जिनके पास जाते हैं वो जस्टिस करते हैं तो दंड भी चलाते हैं, तो आम जनमानस डरते हैं भैरव जी की पूजा से। दूसरा, ऐसा हम लोगों के मन में बैठा दिया गया है कि भैरव जो देवता है वो तांत्रिकों के देवता है, वो तंत्र मंत्र से ही प्रसन्न होते हैं और तांत्रिक उपाय से ही उनकी पूजा होती है। आम लोगों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, महिलाओं की को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देखो, ये जो मैंने चार लाइन शुरुआत में बोला ना, उसका अंतिम लाइन क्या है, मतलब आप ऐसे भी जब भैरव तांडव स्त्रोत्र पढ़ोगे तो उसमें अंतिम लाइन यही रहता है कि भज भज भूतेशम प्रकट महेशम, मतलब जब हम जाप कर रहे थे भूतनाथ महेश का, तो वो भैरव वेश में कष्ट हरने के लिए पृथ्वी पर आए। तो भैरव महाराज वो रूप हैं, वो रुद्र अवतार हैं जिनका काम है आपका और हमारा कष्ट हरना। तो अगर आप जान जाओगे कि आपके कष्टों का निवारण कहाँ से है, तो आप उनकी पूजा करने लगोगे, तो जो बीच में बिचौलिए हैं भगवान और आपके बीच में, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए भैरव जी का पूरा पूजा ही गायब कर दिया गया और उनको ऐसा बताया गया
इनकी पूजा होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप आश्चर्य करोगे, आप काली पूजा करो, आप दुर्गा पूजा करो, आप भूमि पूजन करो, बिना भैरव के पूजा के, अभी राम मंदिर में भैरव जी के पूजा से ही पूजा का जो है वो समापन हुआ था, तो आपको हमको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। अभी एक पंडित जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला अरे क्या आपके भैरव जी हैं, हमारे यहाँ तो वैष्णो माता हैं, हम लोग सब वैष्णवी हैं, और वैष्णो माता ने भैरव जी को बंद कर दिया था गुफा में। तो इसमें भी एक त्रुटि है बहुत बड़ी सी। पहली बात यह है कि वैष्णो माता, क्योंकि नाम वैष्णो माता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वैष्णवों की देवी है, वो सबकी देवी है। दूसरा, जो कथा है भैरवनाथ जी की, भैरवनाथ जी गोरखनाथ पंथ के एक योगी थे, अघोरी थे, और उन्हें काफ़ी अपने शक्ति का घमंड था, और वो शक्तिशाली थे भी थे। तो शक्ति सबको नहीं पचती है, जब शक्ति आती है ना तो लोग शासन करने का सोचते हैं। तो जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची, ठीक है। इसको बहुत ही गंदे तरीके से बहुत जगह प्रस्तुत किया गया है। तो वो एक नाथ अघोरी थे जिनका वैष्णो देवी के साथ कथा है। अब मूल विषय आते हैं कि हम कैसे पूजा करें भैरव जी की अपने घर में। देखो, मैंने हमेशा बोला है कि भैरव महाराज का विग्रह, काल भैरव महाराज का विग्रह अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इससे कुछ नेगेटिव होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो, भैरव जब हम बोलते हैं ना तो भैरव के तीन रूप हैं, भौ रौ वौ, ठीक है। पहला श्यामल है, और वो सुबह के समय के भैरव हैं, और उनको स्वर्ण पसंद है, और जो राजशाही ठाट है वो पसंद है। बीच वाले जो भैरव है वो नील वर्ण है, और जो रात्रिकालीन भैरव है वो काल भैरव है। इस चीज का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जो इसको आम भाषा में समझाएं तो भैरव के तीन रूप हैं, कौन कौन से, बटुक भैरव, काल भैरव और स्वर्ण आकर्षण भैरव, ठीक है। तो इसमें घर में जो आप नित्य दिन पाठ कर सकते हैं वो तीनों भैरव का कर सकते हैं, बस विधान अलग होता है। जब आप बटुक भैरव का जाप करते हैं तो बटुक भैरव की आप मूर्ति भी रख सकते हो और उनकी तस्वीर भी रख सकते हो। मैं हमेशा जब भी आप लोगों को साधना के लिए बोलता हूँ तो घर में जितना कम विग्रह हो उतना अच्छा होता है। दूसरा, जो आप काल भैरव महाराज का विग्रह ले लो या फिर आप बटुक भैरव महाराज का विग्रह ले लो, सब संहार मुद्रा में है, ठीक है, कि अभी संहार किया और हाथ में खोपड़ी है। तो वो जो है उस मूर्ति को हम कोशिश करते हैं कि प्रयोग ना करें, ठीक है। लेकिन उसी में दक्षिणा मूर्ति भी होती है और वाम मूर्ति भी होती है। तो बटुक भैरव महाराज की जो मूर्ति होती है उसको आप घर में स्थापित कर सकते हो, स्वर्ण आकर्षण भैरव की जो मूर्ति है वो स्थापित कर सकते हो, काल भैरव के लिए दीप की स्थापना होती है। अच्छा, अब ये समझो कि मूर्ति की स्थापना क्यों हम मना करते। देखो, मूर्ति को विग्रह बोला जाता है। अभी अगर आप एक मूर्ति को सिर्फ डेकोरेशन के रूप में अपने पूजा स्थान पर रखना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। मूर्ति का मूल प्रयोजन दो था, एक आपके ध्यान को केंद्रित करना, ये एक लूज टॉक है, मतलब एक आम व्यक्ति को समझाने के लिए ये बोला जाता है कि मूर्ति जो है वो आपके ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित करके देवता तक ले जाने का मार्ग है, ये एक बात है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मूर्ति है अगर आप उस पर ध्यान करके मंत्र जाप कर रहे हो तो वो मूर्ति जागृत हो जाती है समय के साथ, ठीक है। तब आपने प्राण प्रतिष्ठा किया हो या ना किया हो, वो मूर्ति जागृत है और उसको उतनी ही सेवा चाहिए जितनी एक मंदिर में मूर्ति को चाहिए होती है। दूसरी मूर्ति वो होती है जो प्राण प्रतिष्ठित होती है, मतलब क्या, उसका एक विधान है उसको जागृत करने के लिए, उसके स्थापना से पहले उसके स्थान पर जहाँ पे वो मूर्ति रखी जाती है वहाँ पे कुछ द्रव्य, कुछ चीज़ों को मंत्रोच्चारण के साथ गाड़ा जाता है, वहाँ पर उस देवता का यंत्र स्थापना होता है और फिर उसके ऊपर विग्रह स्थापित होता है, तो उसको कहते हैं कि हमने इस विग्रह में प्राण दे दिया है।
तो जब आप प्राण देते हैं तो कोई भी शक्ति जब आप उसके रेजोनेंस में आते हैं तो आपको आपके जीवन में उसका फल दिखाई देता है। और यही जो पहला है कि अगर आप उस मूर्ति को देख के जाप और साधना करते हो तब भी उसमें प्राण धीरे धीरे जागृत हो जाता है। दोनों कंडीशन में होता यह है कि आपको एक व्यक्ति की तरह उस मूर्ति की सेवा करनी होती है क्योंकि आपने उसका पर्सोनिफिकेशन करवा दिया है। तो शक्ति का जो भोग है वो आपको देना होगा। जैसे मैंने दक्षिणा काली का मूर्ति स्थापना मना किया है, मतलब काले वर्ण में अगर माँ और बाबा का नेत्र मिल रहा है आमने सामने तो उस मूर्ति की स्थापना नहीं करेंगे क्योंकि उनका मूल भोग जो है वो रक्त होता है। क्यों रक्त होता है? क्योंकि वो आद्या होने के बावजूद कालिका अवतार है जिसने रक्त बीज का रक्त पिया था और उनको उनका भोग जो है रक्त है। उसी तरीके से भैरव, जब काल भैरव जागृत होते हैं तो उनका कई तरीके का भोग होता है। जैसे उनके कई सात्विक भोग भी हैं, जैसे दही बड़ा हो, क्या कहते हैं, जलेबियां हैं ना, काला उड़द जो है वो होता है, रोट होता है, बताशे होते हैं, लेकिन साथ में बाबा को मांस भी चाहिए, साथ में बाबा को मदिरा भी चाहिए, ठीक है? तो जब आप पूजा स्थान पे ये रखोगे तो आपके साथ आपके पास बहुत सारे देवता होंगे। वो सारे देवता अगर वैष्णवी रूप से आप पूजा करते हो तो आपका वो पूजा स्थान खंडित हो जाएगा। दूसरा, जब एक बार आपने ये सिस्टम शुरू कर दिया तो आपको ये निरंतर करना होगा, ये आप रोक नहीं सकते हैं। और आपके बाद आपके अगर कुल में किसी ने नहीं किया और वो मूर्ति स्थापित रह गई तो कुल का विनाश हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैरव काली उग्र देवताओं की का साधना जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता उसकी स्थापना घर पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा विषय, जब भी आप काल भैरव की साधना शुरू करेंगे, ठीक है, तो शुरुआत कोशिश करनी चाहिए काल भैरव के मंदिर से हो। जब आप काल भैरव महाराज की साधना शुरू करेंगे तो उसको हमेशा काल भैरव महाराज के मंदिर से शुरू करनी चाहिए। शुरुआती साधना आप मंदिर से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उस एनर्जी के लिए तैयार है कि नहीं है। क्योंकि एक बार मंदिर में आपका जुड़ाव महाप्रभु से हो गया तो उसके बाद तो जीवन में कुछ देखना ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, ठीक है? अब विषय है कि कैसे साधना शुरू करें। ये मंत्र जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको मत करिएगा, ठीक है? आपको दो मंत्र मैं बता रहा हूं, तीन मंत्र बता रहा हूं। एक तो जो बीज मंत्र है ब्रह्म, उसका जाप आप करें भैरव जी को देखते हुए उनके मंदिर में आप। अच्छा, अगर जहां भैरव जी का मंदिर नहीं है वहां शिवालय में भी आप भैरव जी का जाप कर सकते हैं। कोई भी शिवालय है तो वहां जाकर के आप भैरव पूजन कीजिए। ब्रह्म मंत्र का जाप करिए जितना कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते। और एक मंत्र है ओम हुम शम नम गम कम खम महाकाल भैरवाय नमः। क्या है मंत्र? ओम हुम शम नम गम कम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं शुरुआती साधना में, या फिर ओम 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 नहीं, ओम ह्रौम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रौम महाकाल भैरवाय नमः। इस दो मंत्र से आप भैरव जी की साधना कर सकते हैं। और अगर मान के चलो मंदिर नहीं है आपके पास तो सीधे अपने घर में महादेव का तस्वीर रखो, भैरव जी की तस्वीर रखो और जाप चालू कर दो। जब आप एक बार सिंक हो जाओगे इन सब मंत्रों से, एक बार आपको समझ में आने लगेगा, पावर आपको समझ में आने लगेगा। पावर कहाँ समझ आता है? आपके त्रिनेत्र पर। वो इरिटेट नहीं करता है, वो तो हल्का सा भारीपन आता है त्रिनेत्र पर, और आपका जो बैकबोन है उसमें आपको एक अजीब सी ताकत महसूस होगी। तो आप समझ जाना कि मंत्र सही चल रहा है। तब क्या किया जाता है कि घर में काल भैरव महाराज के नाम से एक चौमुखी दिया बैठाया जाता है, ठीक है? चौमुखी दिया बैठाने का बहुत लंबा चौड़ा विधान है जो कि शास्त्रों के हिसाब से उसको हम लोग पंडितों के लिए छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, एक चौमुखी दिया लेना है मिट्टी का,
ठीक है, उसमें चार आपको जो मौली होता है उसका बाती बना के लगा देना है, ठीक है। और डेली जलाने के लिए पीले सरसों का तेल, उसमें तिल का तेल और उसमें चमेली का तेल मिला के रख लेना है। और सुबह जब आप पूजा करेंगे तो उसको काल भैरव महाराज के नाम पर जला देना है। दूसरा, जब भी ये दीपक जलाएं तो अगर मन में आपका आपकी कोई कामना है तो उस कामना के साथ जलाएं। एक कामना के साथ कम से कम 45 दिन तक दीपक जलाना चाहिए। कोई कामना नहीं है तो हे महाराज आप मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना करके उसको आपको जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद भोग आप नित्य देंगे, लेकिन जैसे विग्रह को हमेशा निरामिष भोग देना होता है वैसा इसमें नहीं है। इसमें आप कुछ भी जलेबी मिठाई अक्षत बताशा कुछ भी रखेंगे और उसको देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा विधान है और एक छोटा सा मंत्र है जो गृहस्थ घर में काल भैरव महाराज की पूजा करना चाहते हैं उनको करना चाहिए। देखो, भैरव महाराज की साधना से दूरी इसीलिए बनवाया गया क्योंकि ये सिर्फ साधना पूजा नहीं है, ये जादू है। और इसका जादू जो लोग भैरव की भक्ति करते हैं उन्होंने देखा, जो भैरव की भक्ति करते हैं वो कहीं विमुख नहीं होते और सब देवताओं को वो आदर भी देते हैं, लेकिन पूजा और मालिक वो भैरव को ही मानते हैं। तो भैरव बिन संकट ना हरे, भैरव की जब तक पूजा नहीं करोगे तब तक संकट नहीं मिटेगा। दूसरा ये भी है कि जब तक भैरव की आप पूजा नहीं करते हैं तब तक शक्ति भगवती आपकी पूजा स्वीकार नहीं करती है। जैसे आपने भैरव की पूजा शुरू की तो जितना भी आपने शक्ति मंत्र कर रखा हो, नवारण मंत्र कर रखा हो, दुर्गा सप्तशती कर रखा हो, सबका फल आपको मिलता है, ठीक है। इसीलिए आंख बंद करके आज से अभी से आप सभी भैरव जी की पूजा शुरू करेंगे और जीवन में जो भी आपका कष्ट है वो भैरव जी नष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरा नंबर 9431188585 से जुड़े। उसमें हम आसन बंधन जैसे सारे विधान सिखाते हैं जो कि हमारे संप्रदाय में आने से पहले आपको जानना चाहिए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या गूगल प्ले से, ऐप स्टोर से, और उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने का विधान www.agmatantrasya.com पर दिया हुआ है। भैरव आप सभी के कष्ट उठाए, ऐसे मेरे उनसे कल जोड़ के प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।